हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि हम लोग लाइट के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, हम लोग बात करेंगे लेंसेस मिरर्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। आइए दोस्तों, देखते हैं कि लेंस देखने में कैसा होता है। लेंस देखने में कुछ इस तरह का लगता है और इस तरह का लगता है। तो बेसिकली लेंस दो तरह के होते हैं। इस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ होता है और जो कॉनकेव लेंस है उसका कर्वेचर अंदर की तरफ होता है। तो लेंसेज की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। पहला तो ये है कि इसके जो सर्फेस है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे अंदर की ओर हो या बाहर की ओर, बट जो सरफेस है वो स्फेरिकल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आता है इस पर तो लेंस से गुजरने के बाद वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। हम लोग रियल डेमोन्स्ट्रेशन से देखने वाले हैं कि रियल बीम ऑफ लाइट जो है वो लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पर कैसे फोकस होता है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लेजर लाइट ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन पैरेलल लेजर लाइट्स निकल रहे हैं सोर्स से। उसके बाद हम लोगों ने ले लिया ये कॉन्वेक्स लेंस और हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को इन पैरेलल रेज के रास्ते में रख देंगे ऐसे। जब हम लोग ये करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे ब्यूटीफुली ये सारे के सारे तीनों जो पैरेलल रेज हैं वो एक पॉइंट पर फोकस हो रहा है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है कि पैरेलल बीम्स को एक पॉइंट पर ये फोकस कर देता है या कन्वर्ज कर देता है। अच्छा, एक और चीज हम लोग ट्राई करते हैं। लेट्स मूव इट लिटिल बिट टू एंड फ्रो फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर आप इसको टू एंड फ्रो मूव करेंगे, व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि जैसे यहां पर आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं ये चेंज नहीं होता है। जैसे आपने यहां से यहां मूव कर दिया, ये डिस्टेंस सेम है, राइट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कर्वेचर है इसका वो फिक्स है। चूंकि लेंस का कर्वेचर फिक्स है इसलिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, नो मैटर आप सोर्स ऑफ लाइट से कितना दूर या कितना पास में अपने लेंस को रखा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि अगर हम इसी पाथ पे अगर हमने कॉनकेव लेंस को रख दिया तो क्या होता है। लेट्स ट्राई एंड यू सी, जब हमने कॉनकेव लेंस को रखा तो लाइट जो है कन्वर्ज होने के बदले डाइवर्ज हो रहा है। और अगर हम लोग इनको ड्रॉ करके पीछे की तरफ जाएं और ध्यान से देखें तो अगेन ये एक पॉइंट पर, इमेजिनरी पॉइंट पर फोकस हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लेंस लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है। लेंसेस का हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस है और आपने कई जगह लेंसेस को यूज होते देखा होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ये जो ग्लासेस हम लोग यूज करते हैं, दीज आर लेंसेज, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। द अदर एग्जाम्पल इज इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में लेंसेस यूज होते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। फिर हम लोग लेंसेस यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में, जो छोटी चीजों को जूम करके देखने के लिए। और जो वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जो कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर भी लेंसेस होते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी जो आईज हैं उनके अंदर भी ये लेंसेस प्रेजेंट होते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस को हम लोग घर में कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक इजी डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखाते हैं। इट्स अ फन एक्टिविटी, लेट्स ट्राई इट। तो इस एक्टिविटी के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक पेपर पे एरो ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप इसके सामने ग्लास रख दीजिए ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप ग्लास रखेंगे तो एरो आपको अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। और अब इसके अंदर आप डाल दीजिए पानी और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसके अंदर पानी डाला ये एरो जो है रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने इसके अंदर पानी डाला तो ये अपने आप में एक लेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके जो दोनों सरफेस हैं वो स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल सरफेस की वजह से, और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इट वर्क्स एज अ लेंस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है, इसका जो इमेज है वो रिवर्स बन रहा है, एज यू कुड सी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।